हेलो एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स और आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे जीएनएम नर्सिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी जिसको कहते हैं बिहेवियरल साइंस तो उससे रिगार्डिंग हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने लायक है तो फर्स्ट वन देखेंगे साइकोलॉजी के क्वेश्चन तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन साइकोलॉजी साइकोलॉजी क्या है इसकी डेफिनेशन और इसका इंट्रोडक्शन आपको लिखना है इससे रिगार्डिंग आपका तीन नंबर का क्वेश्चन बनता है कि डेफिनेशन ऑफ द साइकोलॉजी नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी एंड मेथड ऑफ साइकोलॉजी यानी कि इसके स्कोप या फिर मेथड से रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन बन सकता है जो कि दस नंबर का क्वेश्चन या फिर बारह नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है तो इस तरीके से आपके पंद्रह नंबर का क्वेश्चन बनता है टोटली साइकोलॉजी की डेफिनेशन इसके इस, या फिर मेथड से रिगार्डिंग नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड डिफाइन पर्सनलिटी पर्सनैलिटी क्या है इसकी डेफिनेशन और इसका इंट्रोडक्शन तो इससे रिगार्डिंग भी आपका तीन नंबर का क्वेश्चन बनता है कि पर्सनैलिटी क्या है इसकी डेफिनेशन एंड इसका इंट्रोडक्शन नेक्स्ट वो है एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में आपको लिखना है नेक्स्ट वन है डिस्कस द टाइप ऑफ पर्सनालिटी और कितने प्रकार की पर्सनालिटी होती है उसके बारे में आपको लिखना होता है तो इससे रिकार्डिंग भी आपका पंद्रह नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यह भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्सनैलिटी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड डिफाइन लर्निंग लर्निंग क्या है डिस्क्राइब द टाइप्स एंड लॉ ऑफ लर्निंग यानी कि इसके जो टाइप्स है उसके बारे में लिखना है नेक्स्ट वन है लॉ ऑफ लर्निंग लॉ ऑफ लर्निंग के बारे में आपको लिखना है तो इससे रिगार्डिंग भी आपका छोटा क्वेश्चन आठ नंबर का या फिर पंद्रह नंबर का क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ एक्सप्लेन द अटेंशन अटेंशन क्या है इसकी डेफिनेशन इसका इंट्रोडक्शन नेक्स्ट वन है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ अटेंशन और इसके टाइप्स आपको लिखने हैं टाइप के साथ साथ आपके फैक्टर अफेक्टिंग भी पूछ सकते हैं तो इस रिगार्डिंग भी आपका आठ नंबर का क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ डिफाइन इंटेलिजेंसी इंटेलिजेंस क्या है नेक्स्ट उन्होंने एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि जो इंटेलिजेंसी होती है उसको मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं जैसे कि आईक्यू टेस्ट होता है हमारे पास इस तरीके से जो मेथड है उसके बारे में आपको लिखना है तो इससे रिगार्डिंग भी आपका पंद्रह नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यह भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स एक्सप्लेन द डिफेंस मैकेनिज्म डिफेंस मैकेनिज्म क्या है इससे रिगार्डिंग आपका पंद्रह नंबर का क्वेश्चन बन सकता है एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा इससे रिगार्डिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो टाइप्स है इसके वो आपको लिखने हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन डिफाइन मेमोरी मेमोरी क्या है इसकी डेफिनेशन एंड इसका इंट्रोडक्शन नेक्स्ट उन्होंने एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मेमोरी यानी कि मेमोरी के कौन कौन से टाइप्स है उसके बारे में भी आपको लिखना है या फिर फैक्टर अफेक्टिंग मेमोरी भी आ सकता है ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट डिस्कस द ईड ईगो एंड सुपर ईगो ईड ईगो एंड सुपर ईगो से रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन बन सकता है तो इससे रिगार्डिंग आपका आठ नंबर का या फिर पांच नंबर का क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ एक्सप्लेन द कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है और फ्रस्ट्रेशन जो है उससे रिगार्डिंग भी आपका क्वेश्चन छोटा बन सकता है इससे रिगार्डिंग आपका पांच नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे की है हमारे ऐप की वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं नेक्स्ट आप देखेंगे सोशोलॉजी सोशोलॉजी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं तो मेनली इसके छह क्वेश्चन ही बन सकते हैं फर्स्ट वन है डिफाइन सोशोलॉजी सोशियोलॉजी क्या है नेक्स्ट बन एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी और इसके जो स्कोप होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है तो इससे रिगार्डिंग भी आपका पंद्रह नंबर का क्वेश्चन बन सकता है बेसिकली क्या होता है आपकी सिक्सटी फाइव मार्क्स की तो होती है साइकोलॉजी होती है एंड थर्टी फाइव मार्क्स की होती है आपकी सोशियोलॉजी तो टोटली आपके हंड्रेड मार्क्स इस तरीके से काउंट होते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड डिफाइन फैमिली फैमिली क्या है इसकी डेफिनेशन एंड इसका इंट्रोडक्शन आपको लिखना है नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली एंड फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने हैं नेक्स्ट वन है डिस्कस द टाइप्स ऑफ फैमिली और फैमिली के कौन कौन से टाइप्स है जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली हो गई ज्वाइंट फैमिली हो गई इस तरीके से आपको टाइप्स के बारे में लिखना है तो इससे रिगार्डिंग भी आपका पंद्रह नंबर का क्वेश्चन बन सकता यह है यह एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फैमिली नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड डिफाइन मैरिज मैरिज क्या है इसकी डेफिनेशन एंड इसका इंट्रोडक्शन नेक्स्ट वन है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मैरिज और मैरिज के कौन कौन से टाइप्स हैं तो इससे रिगार्डिंग आपका छोटा क्वेश्चन बन सकता है आठ नंबर का नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ डिफाइन सोसाइटी सोसाइटी क्या है इसकी डेफिनेशन लिखनी है आपको नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द सोशल ग्रुप सोशल ग्रुप क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप और सोशल ग्रुप के जो टाइप्स है जैसे कि प्राइमरी ग्रुप सेकेंडरी ग्रुप इंडिविजुअल ग्रुप होरिजेंटल ग्रुप तो इस तरीके से जो ग्रुप है उसके बारे में आपको लिखना है तो इससे रिगार्डिंग भी आपका पंद्रह नंबर का क्वेश्चन बन सकता है या फिर आपके प्राइमरी ग्रुप के बारे में पूछ सकते हैं या फिर सेकेंडरी ग्रुप के बारे में पूछ सकते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डिफाइन डोरी सिस्टम इंडिया के अंदर डोरी सिस्टम क्या है उससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बन सकता है तो इससे रिगार्डिंग आपका आठ नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि डोरी सिस्टम क्या होता है तो ये थे क्वेश्चन सोशोलॉजी के मेक मेक्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है हमारे ऐप के ऊपर जाके आप देख सकते हैं थैंक यू